नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं पुतिन। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन ने ज़ेलेंस्की का बातचीत का प्रस्ताव माना है। हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल के साथ ये बैठक संभव है। तो बातचीत का जो निमंत्रण दिया जा रहा था उसको स्वीकार कर लिया है पुतिन ने। यह हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो बातचीत के लिए भेजा जाएगा, तो पुतिन अब बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आज यूक्रेन पर रूसी हमले का दूसरा दिन और रूसी सेना जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और कीव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर, कीव का एक इलाका है ओब्लॉन, वहां पर भी पहुंच चुकी है रूसी सेना और दो दिशाओं से ये कीव की ओर बढ़ती हुई रूसी सेना। और ये बड़ी खबर, हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने के लिए तैयार हो गए हैं पुतिन और पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ ये बातचीत करेंगे। इस पर सबसे पहले कमेंट ले लेते हैं फटाफट। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, शुरुआत में आपसे कर रही हूं, बातचीत के लिए तैयार, तो अब क्या होगी बातचीत, यानी कि सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये एक तो सकारात्मक डेवलपमेंट है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को अब यथार्थ से और यथार्थ जो स्थिति है ग्राउंड जीरो पे, उससे समझौता करना पड़ेगा। राष्ट्रहित में अपनी इज्जत का बहुत ज़्यादा ध्यान न रखें और लड़ने का जो ये सोच रहे हैं कि लास्ट बुलेट वो नहीं चलेगा। अभी ये लड़ाई वो हार चुके हैं, तो जनता जनार्दन राष्ट्रहित के लिए ऑनरेबल एग्जिट करें और बोले कि ठीक है, हम नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे, आप लिखित में लेना है ले लो और ये इस पूरे युद्ध को ख़त्म करो और इमीजिएटली सीज फायर अनाउंस करो, ताकि हमारे जो कंट्रीमैन हैं वो घर के बाहर आएं, शॉपिंग करें, नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। जल्दी से इसी पर त्रिपाठी जी, आपका मुझे लगता है कि अब जब एक बार प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए संभावना बताई है, वो तैयार हो गए हैं बातचीत के लिए, तो तुरंत सीज फायर बंद कर देना चाहिए, तुरंत ऑफेंसिव बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कीव में घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया तो फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी इसको बंद करके ऑफेंसिव और बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, इस वक्त की बड़ी जानकारी एक बार फिर से दर्शकों को हम दे रहे हैं, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है कि रूस के 1000 सैनिक मार गिराए गए हैं। तो पहले हमने आपको बताया था कि रूस के 800 सैनिकों को मार गिराने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया था और अब यह दावा किया जा रहा है कि रूस के 1000 सैनिक मार गिराए गए हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस देने की कोशिश तो की जा रही है यूक्रेन की ओर से, लेकिन कीव के बहुत पास पहुंच चुकी है इस वक्त रूसी सेना। तो 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, ये यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है। Presenting the news app, available on Google Play and App Store. Download it now.